कभी गैंग रेप करने वाले रेपिस्टों के साथ, कभी हत्यारों के साथ, कभी मॉब लिंचिंग करने वालों के साथ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ के गुंडे मवाली खड़े नजर आते हैं। इस बार जयपुर में इकबाल के जो लिंचर हैं उनके हिमायत में, उनके फेवर में जयपुर में हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग उतरे हैं और उसके बाद वहां पर हंगामा देखने में आया है। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया है हजारों की संख्या में, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, जो सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन किया गया है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि ये लिंचर्स के साथ, रैपिस्ट के साथ खड़े होने वाले आखिर क्या बताना चाहते हैं? क्या कानून अपना काम करना छोड़ दे? क्या जिन लोगों ने इकबाल की हत्या की, उसकी लिंचिंग की, सरेआम उसको डंडे और लाठियों से पीट पीट कर उसको मार डाला, बाकायदा ये तमाम चीजें वीडियो में रिकॉर्ड हुई, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, लेकिन उनको अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इन हिंदूवादी संगठनों को तकलीफ होने लगती है, इनको परेशानी होने लगती है। अब जाहिर सी बात है, जब हजारों की संख्या में लोग, वो भी ऐसे मौसम में जब राजस्थान में चुनाव सर पर हैं, सरकार कहीं ना कहीं दबाव में आएगी और इसीलिए इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। पहले ही दिन से इस पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं। जाहिर सी बात है, सवाल कई हैं कि आखिर इन लिंचर्स का साथ देकर के आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहती है कि क्या अब कानून अपना काम करना छोड़ दे? क्या अब पुलिस जिन लोगों ने हत्या की है इकबाल की, जिनके वीडियो सरेआम पब्लिक हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे में बकायदा सबके फेस जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, हालांकि अगर अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर सही से कार्रवाई की गई होती राजस्थान सरकार के जरिए, अगर सही से कार्रवाई की गई होती जयपुर पुलिस के जरिए, तो सिर्फ 4-5 लोग गिरफ्तार नहीं होते बल्कि उसमें महिलाएं भी हैं जो पीटती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं और लिंचर्स के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, उनको छोड़ने की बात कही जा रही है, उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ने की हिमायत की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर नजर आएगी। इलेक्शन सर पर हैं और ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। सितंबर 2019 खो नागरियन थाना क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण होकर पैसे मांगने पर उसको किस तरीके से हत्या की गई आपको पता है, और वो आज तक वो हत्या में पकड़े नहीं गए और उसको क्या दिया ये आपको पता है। कन्यालाल की घटना घटी आपको पता है, कोई पैसा नहीं दिया गया। कालीचरण जी कह रहे कोई पैसा नहीं दिया गया आज तक वो मामला लंबित है। अरे जयपुर में मॉब लिंचिंग में शहीद हुए इकबाल के हत्यारे के समर्थन में हिंदू परिषद उतर आई है। ऐसे हत्यारों को प्रोत्साहन कौन देता है और कैसे मिलता है? सभी रैपिस्ट के समर्थन में तो कभी नासिर और जुनेद के हत्यारे मोनू मानेसर के समर्थन में इस तरह का प्रदर्शन एक खास संगठन के जरिए लगातार सामने आता रहता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? जयपुर में बाइक की टक्कर और गाली गलौज के बाद जिस तरह से इकबाल की एक भीड़ ने सरेआम हत्या कर दी थी, उसकी लिंचिंग कर दी गई थी, इस मामले में बुधवार को प्रदर्शन हुआ। इस दौरान
कई नेता मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गहलोत सरकार ने इस मामले में एकतरफा कार्रवाई की। जयपुर में बड़ी चौपाल पर सर्व समाज का धरना जारी है। बड़ी संख्या में सर्वधर्म समाज के लोग जुटे हैं। इस मौके पर जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा, राजस्व मंत्री की सांसद दिया कुमारी और मालवीय नगर के विधायक कालीचरण सर्राफ वहां पर मौजूद रहे। दिया कुमारी ने कहा है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कुछ दिन पूर्व मोटरसाइकिल टक्कर के बाद जिस तरह से हत्या कर दी गई थी इकबाल की, सुभाष चौक क्षेत्र की यह घटना है। झगड़े के बाद इकबाल की जबरदस्त पिटाई की गई, उसकी मॉब लिंचिंग की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तब से इस मामले ने तुल पकड़ रखा है। पुलिस दोनों समुदाय को से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। सुभाष चौक इलाके में इकबाल की हत्या का मामले में घटना में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में हिंदूवादी संगठन जुटे हैं, बड़ी चौपाल पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य हिंदूवादी संगठन बड़ी चौपाल पर मौजूद हैं। पुलिस का भारी दस्ता भी मौके पर तैनात है। इसके अलावा सादा कपड़ों में भी जो है पुलिस के जरिए कुछ लोगों पर, असामाजिक तत्व पर निगाह रखी जा रही है ताकि हालात को पूरी तरह से नियंत्रण में रखा जा सके। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सड़ा हुआ समाज कैसे इस तरह के मामलों को लेकर भी सियासत से बाज नहीं आ रहा है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। आप ये वीडियो फेसबुक पर देखना, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।